साहस सरोकार। अकलतरा में मोर आवास मोर अधिकार के तहत हुआ प्रवास कार्यक्रम, कार्यक्रम में नगरवासी और भाजपा कार्यकर्ता रहे उपस्थित। कोंडागांव में कम मानदेय मिलने से नाराज महिलाएं, महिलाओं ने जिला कार्यालय के बाहर दिया धरना। पामगढ़ में गुरु घासीदास जयंती का हुआ आयोजन, सतनामी समाज ने निकाली शोभा यात्रा। गौरेला पेंड्रा में भालुओं का आतंक जारी, भालुओं ने 3 बच्चों पर किया जानलेवा हमला। अंबिकापुर में मनरेगा में मिला मुर्दे को रोजगार, कलेक्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। अकलतरा विधानसभा में मोर आवास मोर अधिकार के तहत लोकसभा प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जांजगीर सांसद सौरभ सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में नगरवासी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथ ही मुख्य अतिथि रायपुर के सांसद सोनी भी मौजूद रहे। सांसद सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाकर गरीबों के सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया है, ताकि गरीबों को पक्का मकान मिल सके। उन्होंने गंगा जल हाथ में लेके जितने भी वादे किए थे उसको सब नकारा सिद्ध हो रहे हैं। यहां तक कि जो केंद्र का पैसा है उसको भी खर्च नहीं कर पा रहे, उसमें भी भ्रष्टाचार है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में आवास जो है वो लोगों का 4 साल में एक भी नया नहीं मिला, जिनको पहली किस्त मिली थी दूसरी किस्त नहीं मिली, तीसरी किस्त नहीं मिली, वो बेघर हो गए, हजारों लोग बेघर हो गए। कोंडागांव के मुख्यालय के डोंगरी पारा में चल रही गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रही सैकड़ों महिलाएं और युवतियों ने कम मानदेय मिलने के चलते जिला कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उन सभी से गारमेंट फैक्ट्री में भेड़ बकरियों की तरह काम करवाया जाता है, जिसके बाद भी मानदेय नहीं के बराबर मिलता है। तो वहीं शुरुआती ट्रेनिंग के दौरान लगभग 1.5 महीने तक उन्हें किसी भी तरह का मानदेय नहीं दिया जाता, जिससे उन्हें जीवन यापन करने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने गारमेंट फैक्ट्री के सुपरवाइजर मैनेजर पर काम को लेकर शोषण और प्रताड़ित करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि धरना पर बैठी महिलाएं ने मामले की शिकायत जिला कलेक्ट्रेट से करने की बात कही है। हम लोग को यहाँ कम सैलरी दिया जाता है और सबको बराबर काम कराया जाता है, हमको सबको बराबर सैलरी चाहिए सर। कितनी सैलरी मिल रही है और कितना देने का वादा हुआ था काम सर? हमको बोले थे कि पैकिंग वाले को 7,000 मिलेगा और ऑपरेटर को 10,000, लेकिन यहाँ मिलता नहीं है, सबको 2,000-3,000 पकड़ा देते हैं सर। हम लोग घर कैसे चलाएंगे इससे? लोगों का मेन इशू है रही लोग का कि उनका सैलरी इंक्रीज किया जाए, तो सैलरी इंक्रीज के बारे में जो भी निर्णय रहेगा वो जो मैनेजमेंट टीम है, डीसी का टीम है, उन लोगों से डिस्कस करके सैलरी इंक्रीज का उनका काम किया जाएगा। पामगढ़ में 2 दिवसीय गुरु घासीदास जयंती का आयोजन हुआ, जिसकी शुरुआत पहले दिन भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई। रैली में गुरु घासीदास जैत खाम के प्रतीकात्मक स्वरूप को लेकर विधिवत पूजा कर ध्वजारोहण किया गया। तो वहीं पारंपरिक वेशभूषा पहनकर गांव के प्रमुख मार्ग से शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान पंथी नृत्य को देखने के लिए गाँव में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस अवसर पर समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे।
महासमुंद में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। बता दें पुलिस को सूचना मिली थी कि पोर्टर पारा में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है, जिसकी हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। बता दें मृतक और आरोपी दोनों बागबाहरा थाना के पोटरा पारा के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जब कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी भोला दास ने अपना जुर्म कबूल किया और पुलिस को बताया कि घटना वाली रात दोनों ने शराब पी थी। उसके बाद आरोपी ने मृतक को और शराब खरीदने के लिए कहा। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और आरोपी ने आवेश में आकर बांस के डंडे से मृतक के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को धारा 302 के तहत मामला पंजीकृत कर गिरफ्तार कर लिया है। को पता चला कि एक व्यक्ति मृत्यु के अवस्था में पड़ा हुआ है, तो उस पर से हमारी जो टीम थी थाना की टीम वहाँ पे गई और देखी कि एक व्यक्ति मृतक ये है हत्या हो चुकी है। उस पर सबसे पहले तो हमारे द्वारा मर्ग दर्ज किया गया, मर्ग दर्ज कर उसको पीएम के लिए भेजा गया था। पीएम पे डॉक्टर ने चोट की प्रकृति को देखते हुए उसमें होमिसाइड लक्षात्मक बताया। उस पर से थाना बागबाहरा में धारा 302 IPC के तहत अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। फिर पूछताछ पे विवेचना में आगे बात पता चली कि जिसका जो मृतक है दिनेश साहू, वो उस रात को भोला दास माने पुलिस साथ घूमते हुए देखा गया। उनको बीच में किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था। बाद में मानिकपुरी को भोला दास मानिकपुरी को अपने हिरासत में लेके पूछताछ किया गया, तब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और फिलहाल भी गिरफ्तार किया है। अकलतरा में अवैध शराब बिक्री करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आरोपी के कब्जे से 35 देशी प्लेन शराब बरामद की गई है। साथ आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। शक्ति के थाना क्षेत्र चंद्रपुर में घर में रखे सोने चांदी जेवरात के चोरी हो गए, तो वहीं इस मामले में आरोपियों को ओडिशा से पकड़ कर लाया गया है और पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुल्म कबूल कर लिया है। आरोपियों के पास से मोटर साइकिल भी जब्त कर ली गई है, साथ ही चोरी के जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। तो वहीं आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहाँ आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ये मेन आरोपी था सुरेश महाना, इसके साथ में नगेश्वर देवांगन जो चापा का था उसके साथ था। वो कुछ सामान उनके पास से बरामद हुआ था, जो ज्वेलरी के आइटम थे उनके पास से बरामद हुआ। और यहाँ से रायगढ़ जिले के दो व्यापारी लोग जो इनके इसको गलाने में और इसको जो नंबर दो के चोरी के माल के खरीदने में संलिप्त थे, ऐसे दो ज्वेलरी शॉप के ओनर थे इसमें, और इनको भी हम लोगों ने इसमें आरोपी बनाया है। इसमें धनाजी झंडे करके वहाँ पर इनने उसको गलाने का काम किया, और कृष्णा प्रसाद ये इनका ज्वेलरी शॉप है, ये इनको खरीदने हैं। ये लगातार इनसे चोरी के सामान खरीदते थे, गलाते थे और रिसेल करते थे। इन काम में ये भी व्यस्त थे। इस तरीके कुल चार आरोपी हम लोगों ने अभी तक इसमें गिरफ्तार किया है। मनेन्द्रगढ़ के चिरमिरी भरतपुर जिले में तेंदुए ने एक युवक पर हमला कर दिया है, जिसके बाद युवक की मौके पर मौत हो गई। बता दें जनकपुर वन परिक्षेत्र में यह महीने में पांचवी घटना है। जानकारी के मुताबिक मृतक अपनी फसल देखने गया था, जिस पर तेंदुए ने हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से चर्चा की और सभी से सुरक्षित रहने की अपील की है। जांजगीर चांपा के संविदा कर्मचारी एक बार नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। संविदा कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद 10 दिन बाद ही संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन सरकार के 4 साल बाद भी संविदा कर्मचारियों की मांग को नजरअंदाज किया गया। तो वहीं बार बार आंदोलन के बाद भी अब तक कोई पहल नहीं हुई। तो वहीं कर्मचारियों ने 31 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही है। हम यहाँ पे 16 से 20 तक जो हमारा धरना प्रदर्शन है यहाँ चलेगा। हम 20 तारीख को रायपुर जाएंगे, वहाँ प्रदर्शन करेंगे, वहाँ घेराव करेंगे, वहाँ अपनी मांगे रखेंगे। यहाँ पे हम अपनी एकलौती मांगों को लेके
धरना कर रहे हैं, जो हमारी एकलौती मांग है वो भूपेश सरकार से ये है कि हम सभी अनियमित संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। आपने जो वादा किया था उस वादे को आप पूरा करिए और उस वादे को पूरा करते हुए हमें नियमित करिए, हमें हमारा अधिकार प्रदान करिए। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आज हम लोग कचहरी चौक जहांगीर में धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। 5 दिनों की ये प्रदर्शन होना है और पूरे संविदा कर्मचारियों को एक ही मांग है, नियमितीकरण का। और वो भी वादा हमारे जन घोषणा पत्र में कांग्रेस की सरकार ने किया था, उसी वादा को याद दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर सब बैठे हैं। काफ़ी समय हो चुका है, 4.5 साल का समय बीत चुका है। अब इस सरकार को अपने घोषणा पत्र पर अमल करना चाहिए और संविदा कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए। गौरेला पेंड्रा में भालुओं का आतंक जारी है। बता दें, कुम्हारी डैम से घर वापस आ रहे 3 बच्चों पर 2 भालुओं ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके चलते 1 बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं लगातार भालू के हमले से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। पूरा मामला मरवाही वन मंडल क्षेत्र के सचरा टोला बीट एरिया का है। अंबिकापुर में भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराया जाता है, जिसमें 100 से 120 दिनों के लिए ग्रामीण इलाकों के लोगों को काम दिया जाता है। लेकिन सरगुजा जिले में मनरेगा योजना के तहत मुर्दे भी अब काम करने जा रहे हैं। मामला बतौली विकास खंड के ग्राम पंचायत विलासपुर का है, जहां सबीना सोनवानी के पति की मौत 2018 में हो गई थी, जिसके बाद पता चला कि मौत होने के बाद भी उनके खाते में मनरेगा योजना के तहत 2021 में काम करने की राशि आ गई है। पूरे मामले की जानकारी सरगुजा कलेक्ट्रेट कुंदन कुमार को दी गई, जिसके बाद कलेक्ट्रेट ने मामले की जाँच की बात कही और जो भी उचित कार्यवाही होगी मनरेगा के तहत की जाएगी। इंद्रनाथ पति थे और केंद्रीबाई दादी सास थी। अच्छा, तो इनका मृत्यु कब हुआ था? 2018 में। अच्छा, और उनका साथ में हुआ था 2018 में। हाँ, फिर 2 महीने का। कैसे में हुआ था? कुछ नहीं, बस बुखार था। अच्छा, और दादी सास तो बूढ़ी हो गई थी। तो क्या ये मनरेगा में भी काम करते थे क्या? नहीं कर रहे थे, कभी नहीं जाते थे करने काम। और पति? वो कभी कभार जाते थे, नहीं आए हैं कोई। तो इस बारे में सूचना दिए थे आप अधिकारियों की मौत हो गया ग्राम पंचायत में? तो जान तो रहे, पंचायती वाला तो बना है। मैं तो प्रमाण पत्र दिए थे। ये अभी आपने मुझे जानकारी दी है, आपके माध्यम से जानकारी अभी आई है, उसको चेक कराएंगे और अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी होगी तो यथोचित कार्रवाई जो भी है मनरेगा के नियम के अनुसार होगी। अकलतारा में अज्ञात व्यक्ति ने मकान का ताला तोड़कर अलमारी से रखी नकदी रकम को चोरी कर लिया, जिसके बाद प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो पकरिया निवासी ओम प्रकाश को हिरासत में ले लिया गया। तो वहीं पूछताछ के बाद आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मनेन्द्रगढ़ में एक ऐसा तालाब है जो बूंद बूंद टपकने वाले पानी से भरा है। बता दें, इस तालाब में कभी भी पानी की कमी नहीं पड़ती। ग्राम पंचायत बिहारपुर के कपरिया गांव की पहचान यहां बने कान ऊठे तालाब से है। यहां टिपका पानी नाम का एक स्थल है, जहां की जल बूंदों से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। ये जो अपना कपरिया गांव है, टिपका पानी एमसीबी जिला में पड़ता है। ये जंगल के बीचों बीच है और पहाड़ के बीच से इसमें पानी 12 महीना 365 दिन निकलता है। इस पानी से यहाँ बहुत बड़ा तालाब बन गया है और यहाँ पे सब श्रद्धालु लोग आते हैं। प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, इसमें प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है और यहाँ का विकास हो, जो यहाँ के गांव वालों को इसका लाभ मिले और सेवा भाव लोगों में जगे। क्षेत्र का महत्व है कि जंगल में पड़ता है और पहाड़ के अंदर में पानी टिपकता है, टिपका पानी इसका नाम है। टिपका पानी जो है बूंद बूंद पानी टिपकता है और ये सालों भर टिपकता है। ये जो है गर्मी बरसात जाड़ा हर समय पानी टिपकता है। इस पानी टिपक करके यहाँ बड़ा सा तालाब बन गया है
उस तालाब पूरा भरा हुआ है। हम लोग जब आते हैं गर्म दिन में भी तालाब भरा मिलता है। इसका महत्व है, इसका नाम है चिपका पानी। यहाँ हर साल 14 तारीख को मेला भरता है और हम लोग 14 साल से यहाँ आ रहे हैं। हम लोग यहाँ खिचड़ी बनाते हैं, भोग और भोग को सबको मेला भर में बांटते हैं। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।